अमृत महोत्सव काल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पधारे हमारे समस्त वरिष्ठ, जिनके चरणों पे नमन करते हुए हम लोग ये 75 वर्ष आजादी के अपने पूर्ण कर चुके हैं। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। बड़ी ही कठिनाई से, बड़े त्याग और बलिदान के बाद हमें आजादी मिली। आजादी मिलने के उपरांत बहुत सारे संकट आए। जब देश आजाद हो रहा था, तब देश के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ जन ये सब सोच रहे थे और तरह तरह की भावनाएं थी कि देश में मारकाट होगी, देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश एक कैसे रह पाएगा और आजाद कैसे रह पाएगा। क्योंकि हम लोग राजसी व्यवस्था को मानने वाले थे, राजा ही यहां राज किया करते थे। देश आजाद हुआ, आशंकाएं निर्मूल नहीं थी। दंगे हुए, 14 अगस्त देश का बंटवारे का दिन, जो कि कल हमने विभीषिका दिवस के रूप में मनाया था, उसमें लाखों लोग घर से बेघर हुए, उनकी जाने गई। उसके बाद किसी तरह देश फिर से खड़ा हुआ। कई संकट आए, वो चाहे संकट देवी देवता के रूप में रहे हो या युद्ध के रूप में रहे हो, जो हमने चीन और पाकिस्तान से लड़े, जब हम ऐसे काल में गुजर रहे थे तो देश को ऊर्जा देने के लिए कई आह्वान किए गए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर हमारे देश में एक नई ऊर्जा भरने का कार्य किया था। इसके बाद जब देश में संकट आया, वो आया कोरोना के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घरों में दीपक जलवाकर एक नई ऊर्जा का काम करने का काम किया, थाली बजवाकर हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने का काम किया, हवाई जहाज से पुष्प वर्षा करके उन वॉरियर्स को, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनको सम्मानित करने का काम किया। और उसी के कारण जिस समय विश्व वैक्सीन को देख रहा था, समझ रहा था, उस समय हमारे यहाँ 200 करोड़ डोजें लगाई जा चुकी थी इन्हीं डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स के दम पर। मित्रों, आज फिर से देश को नई ऊर्जा देने के लिए, जैसे कि आदरणीय गुरु जी बता रहे थे कि नए लड़कों को तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन आज माननीय मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान, आज स्थिति यह है कि हमारे देश का कोई घर नहीं बाकी, कोई वाहन नहीं बाकी, कोई जगह नहीं बाकी जिस पर तिरंगा न लगा हो। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा के कारण हुआ है। आज हम लोग 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। कई अभी और भी देश पर संकट आएंगे, लेकिन जिस तरह से इस देश ने मिलकर डटकर इन संकटों का मुकाबला किया है, हम सभी आगे भी करेंगे। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।